ध्यान दीजिए, इसमें आप सभी लोग जान रहे हैं कैसे रोग के बारे में जो केवल चुनाव के भीड़ में दब के मरता है, हंसता है जी, चुनाव में जितना भीड़ लगा लीजिए उसमें वो दब के मर जाता है, वहां नहीं आता। और बाकी जैसे ही पढ़ाई की बात आती है तो ये गेट रूम में शुरुआत में ही स्वागतकर्ता के रूप में मिलता है और उसका नाम क्या है, कोरोना। इस सरकार के परिभाषा के अनुसार, हम लोग का परिभाषा नहीं है, सरकार का डिफिनेशन यही है कि एकदम कोरोना जो है गेट पे अगर कहीं इंतजार करता है तो वो क्लासरूम है। और इसीलिए क्लासरूम को सबसे सॉफ्ट टारगेट, अभी सिनेमा हॉल सब खुला, बाकी सब जगह खुला, कहीं कोरोना नहीं होगा। हाँ, स्कूल बंद कर लीजिए, क्योंकि वहां कोरोना पकड़ लेगा तब क्या होगा, हम बच्चों के हितैषी है, तो आप समझ ही गए होंगे कितने बड़े हितैषी हैं। और ये बैठ करके कहां डिसीजन ले रहे हैं, कहां क्या है, मेन दो ही तीन चीज मेन है जिससे बिहार चल रहा है। एक है पढ़ाई, किसी तरह इसको खत्म कर देना है। दूसरा, यहाँ का मुख्य बाजार का रौनक सिर्फ एक ही बार है और वो अधिकांश दुकानदार होता है कि सबसे ज्यादा लगन में ही जो कमाते हैं उससे साल भर चलना होता है। कई लोग का मैरिज हॉल है, वो बेचारे भी लगन में बुक किए। कई लोग का बैंड बाजा ये सब है, वो भी इसी में चलते हैं। कई लोग का जो भी मेन दुकानदारी, कपड़ा दुकानदार है, किराना दुकानदार है, सोनारी दुकानदार है, सबका मेन इसी में चलना है। और सबसे ज्यादा सरकार का इसी पर चोट है, इसको भी बंद कर लो। आबस बराती में इतने आवो, इमें इतने आवो, ताकि कपड़ा लता कम को देना रहे, फलाना कम रहे, ई वाला में कोरोना धर लेगा, बाकी कुछ भी करो। अभी कुछ दिन बाद बिहार में फिर पंचायत चुनाव आएगा, मुखिया जी वाला, तो फिर उसमें जितना रहे ज्यादा भीड़ लगाइएगा तो और अच्छा है, कोरोना दब के मर जाएगा। हाँ, ये हो सकता है उसमें मेन बड़े बड़े नेता नहीं आएंगे तो उसमें भी लोग को तंग करना शुरू करें। बड़ा नेता है तो उसमें कोरोना नहीं होता है, छोटकन में हो सकता है। और पता नहीं क्या ये है, हमको तो अभी तक नहीं समझ में आया कि अगर कोरोना में मास्क लगाने से ठीक हो जाता है तो मास्क के बाद फिर दूरी क्यों बोलते हैं। फिर मास्क कहिए कि मास्क लगाए रखिए, बाकी कोई बात नहीं, सट के रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मास्क लगाइए और दूरी 6 फीट बना के रखिए। अब 6 फीट दूरी बना के रखिए तो फिर दूरी से ही ठीक हो जाता है, तो मास्क काहे के लिए लगा के रखी। और शुरुआत में भी कॉलर ट्यून हम लोग सुने कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलो भाई, दवाई भी आ गया, अब दवाई जब आ गया तो कॉलर ट्यून बदल गया, दवाई के साथ साथ कड़ाई भी। अरे तो पहले था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, अब है दवाइयों के साथ कड़ाई भी। इंजेक्शन भी लगवाइए और मास्क लगाए रखिए, तो इंजेक्शन का फायदा कर रहा है भाई, जब इसको लगा लिया फिर ही लगा ही रहे, तो फायदा कहाँ हो रहा है इंजेक्शन से कि मास्क से कि डिस्टेंस से, अगर इससे फायदा है तो ये क्यों लगा रहे, और ये लगा रहे हैं तो फिर ये वाला क्यों लगवा रहे। और ले देके कई लोग का ये भी सुनने में आ रहा है कि दोनों डोज लेके फिर वो पॉजिटिव होके विराम में लगे हुए हैं, ये भी न्यूज आ रहा। तो ये कौन सा विचित्र चीज खोज हो रहा है और मानस का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यही स्थिति रही तो पढ़ाई अवश्य खत्म हो जाए, क्योंकि जो चीज है अब सरकार की आइडियोलॉजी है ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन सचमुच बढ़िया है, लेकिन उन लोगों के लिए बढ़िया है जो बच्चे व्यस्क हैं, जिनके पास कंटेंट, अब दूर से नौकरी कर रहे हैं उनकी मजबूरी है, वो बच्चे इतने मैच्योर्ड हैं कि वो जब नेट खोलते हैं तो उनको कहां क्या देखना है एकदम बिल्कुल इतने व्यस्क है। कम वाले जो बच्चे हैं वो तो बेचारे नेट और यूट्यूब मिलते ही वो अपने आप को रोक कहां पाते, पढ़ना कहां है, पता नहीं क्या क्या देख के 1.5 GB उड़ा देंगे। तो वो जो ब्रेक चाहिए उस सर, इधर 12th के उम्र में ये थोड़ी सी समस्याएं होती है, इसलिए हम देखते हैं 12th के फेज में थोड़े बच्चे ऑनलाइन में थोड़ा कम इंटरेस्टेड होते हैं, आगे के फेज में थोड़ा है। दूसरी बात, इसमें ऑनलाइन में तो हम लोग कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि वहां नेट नहीं है और लाइव नहीं देख पाए, कई जगह है कि उसमें अब रिकॉर्डेड उनको वीडियो चाहिए तो उसमें समस्याएं हैं, तो बहुत तरह की टेक्निकल इशू भी है। और कल हम जब ये न्यूज देखे अचानक
मैं जान रहा था चूंकि इसमें इतना तो अनुमान लग रहे थे कि फिर कुछ कर न दे, लेकिन ये निश्चिंत है कि बहुत कठोर डिसीजन बंद का नहीं आएगा। लेकिन अचानक रात में हुआ कि क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की मीटिंग हुई। काहे के लिए सरकार भी परेशान है भाई, क्राइसिस मैनेजमेंट बंद कर दो 2-3 साल के लिए कि तुमको भी मीटिंग उटिंग करने की जरूरत नहीं, कोई क्राइसिस ही नहीं हो तुमको। एक ही बार अनाउंस कर दो कि हम 2-3 साल के लिए बंद कर देते हैं, हमको भी 10-20 अधिकारी बोला कि क्राइसिस का मीटिंग करना पड़ता है, न मीटिंग न राधा के नौ मन घी होगा न राधा नाचो। अब पता नहीं मीटिंग में लोग क्या क्या सलाह दे दिए कि हुआ कि बस बस ये वाला बंद कर लीजिए, बाकी सब खुला रखिए। बच्चा बाजार में घूमेगा माँ बाप के साथ, कोरोना नहीं होगा। कहीं स्विमिंग पूल में घूम सकता है, कहीं सिनेमा देखने जा सकता है, वो सब जगह नहीं होगा। लेकिन पढ़े मत भेजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब वो याद करेगा तो कोरोना साथ में घुस जाता है। तात्पर्य तो यही होगा ना कि साथ में घुस जाए। हाँ, इसके साथ अन्य चीज भी बंद होते तो शायद मैं इतना कठोर नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ यही बंद ये तो समझ से परे बात थी। धीरे धीरे इसमें शुरुआत में तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हम और भी जब न्यूज को देखे तो शाम में ही क्लियर हो गया कि नहीं, इसमें बंदी हो गया है। और इसके लिए अब जो स्थितियां हैं हम लोग अब उस पर विचार करेंगे। अब सरकार जो कर दी वो तो ठीक है, अब हम लोग सरकारी निर्देश का इसमें पालन तो करके ही हम लोग को चलना होगा। इसमें ये है गृह विभाग बिहार सरकार का सूचना, और इस सूचना के अनुसार ही चलेंगे, चूंकि ये तो बिना शेड्यूल बताए हुए आप लोग भी वर्ग में आ गए, ऑनलाइन में भी कई बच्चे हैं हमारे पास। ये सूचना सिर्फ लगभग 3000 बच्चे 12th के साथ जुड़े हैं, सिर्फ उनके लिए ये सूचना है, बाकी बैच के लिए अलग से दिए जाएंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे मेन पॉइंट तीसरा नंबर पे है 5/4/2021 से खुलने वाले, मतलब शनिवार के बाद रविवार और सोमवार से खुलने वाले। साफ लिखा हुआ है तीनों चीज का नाम, जहां जहां बच्चे पढ़ सकते, और ये पढ़ने वाले में है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, क्योंकि यही तीन जगह से उसको कुछ ज्ञान मिले। कोरोना पढ़ने समय हो जाता है लेकिन परीक्षा हॉल में नहीं होता। बिहार में परीक्षा बहुत टाइमली हो रहा है, अभी बिहार में दो ही चीज हो रहा है, परीक्षा और रिजल्ट। और बिना पढ़ाए सरकार उन मीटिंग में क्राइसिस में क्यों नहीं बतियाती है कि जब हम लोग सब बंदे रखते हैं तो लोग पास कैसे कर जा रहा है। अभी भी तो उसके लिए चिंताजनक बात है, अगर फेल ही कराना है तो भाई उसी में फेल कर दो। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है कि पढ़ने नहीं दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फेल करा दीजिए, तो ये भी गड़बड़। तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास, अभी जो हमने आपको न्यूज दिखाया उस न्यूज में लिखा हुआ है 12 तक बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी लेटर जब हम लोग देखे तो इसमें लिखा हुआ है 11/4 तक बंद रहेंगे। बंद का कारण इन्होंने बताया कि कोरोना फिर से दूसरी लहर की ओर चल दिया है और तेजी से बढ़ रहा, तो ये देखने में 11 लग रहा है, लेकिन अब ये कंप्लीट 11 आगे डिपेंड 2-3 चीज पर करेगा। जितना कोरोना अभी मरीज है उतना पे बंद किया गया, तो अवश्य इस बंदी के बाद 11 को फिर मीटिंग होगी, खोला जाए कि नहीं। हमने पहले ही बताया मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, कभी दिल्ली से दौलताबाद, कभी दौलताबाद से दिल्ली, और जब वो मरे तो एक प्रमुख इतिहासकार ने उनके बारे में लिखा कि आज प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो डेली एक्सपेरिमेंट यही लोग पर करते थे। अब प्रजा भी तबाह राजा से था तो दोनों आज फ्री हो गए, तो उसी प्रकार ये भी फिर 11 को बैठेंगे कि अब क्या किया जाए। तो ये मीटिंग में कोई ना कोई कहेंगे हैं कि हुजूर उस डेट से अभी तो आओ ज्यादा बढ़ गया है, घटने का चांस कहाँ है? अरे घटता तब ना जब सही में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग से कोरोना होता, तब तो ये बंद करना हम भी एकदम समर्थक होते कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, यहीं से फैल रहा है, जान है तो जहान, पहले प्राण बचेगा तो पढ़ाई बहुत। लेकिन जड़ को अब रोग जड़ से, बुखार से हमको सिर में दर्द है और यहां झंडू बाम लगा दीजिए। तो झंडू बाम लगा देंगे तो 10 मिनट मीठा मीठा ठंडा ठंडा कुछ लगेगा, अब फिर तो दर्द शुरू होगा, क्योंकि बुखार तो है, झंडू बाम से बुखार ठीक होगा?
तो उसी तरह से जड़ कोरोना का कहीं और है, और बस ये झंडू बाम कोचिंगे बंद कर दीजिए। अरे तो फिर तो वो होगा, दर्द तो फिर होना है। और इस मीटिंग में 11 को अगर इससे मरीज बढ़ते हैं, मनाए कि ना बढ़े, अगर बढ़ते हैं तो फिर सरकार फिर कहेगी कि क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग, और बढ़ रहे हैं, बढ़ना ही है, और इसीलिए डिसीजन लेते हैं कि इसको 11 से इतना धीरे धीरे बढ़ाना है कि न लड़के न शिक्षक रूम डेरा भी खाली ना करें, मकान मालिक को किराया देते रहे। पिछले बार भी तो यही ना हुआ, अगर खखर के साफ साफ बोल देते कि भाई हम 1 साल बाद खोलेंगे तो लड़कन हमारे उठाओ पालकी फूक मसाला, जे किराया पर ले लेता कहता चल रे एकदम मिजाज से साल भर बाद, निश्चिंत हो जाता। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के न उगलने में बना न निगलने में बना, लक्षण वही दिख रहा है मुझे। और 11 तारीख है, हमें मालूम है कि फिर कोरोना मरीज घटने वाला है नहीं। मीटिंग आप करेंगे, आंकड़ा कहेंगे प्रस्तुत करें, कहेंगे वर्तमान से और 1.5 गुना हुआ, कहेंगे और खतरा। अगर खोल देंगे तो अखबार वाले फिर पूछेंगे आपसे कि जी इतना कम में बंद कर दिया, इतना में खोल दिया, ये कौन टेक्नोलॉजी, तो फिर आप उसका जवाब क्या देंगे। इसलिए बढ़िया है इतना दिन फिर बंद, कंप्लीट बंद करें तो बात समझ में आती है। हाँ 8 दिन के लिए कहते कंप्लीट सब बंद, तो चलिए ठीक है, कंप्लीट बंद में लोग घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन, तमाम चीज बंद रहेगा, थोड़ा नुकसान है लेकिन कोरोना मरीज घटता। केवल स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद तो लगता है कि इसी लोग को सबसे ज्यादा हो रहा थी, तो बिल्कुल कहीं घटने का सवाल है नहीं, और ये समस्याएं फिर आई। तो इसीलिए अभी तत्काल जो पिछले वर्ष किए, आप जहां पढ़ रहे हैं हम लोग हर स्थितियों में फिट है, हमारे पास सभी सतह से सतह, सतह से वायु, वायु से सतह, हर प्रकार के मार करने वाला मिसाइल रखा हुआ, मतलब ऑफलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन, घरे बैठ के आपके बेडरूम तक मारक क्षमता हम लोग रखते हैं, कि हर विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग तैयार है आपके साथ। अब सरकारी निर्देश की अवहेलना तो मैं नहीं करूंगा कि उन्होंने कहा बंद करें और हम कहे कि मजा ले बंद करें, हम अपनी बात को ही रख सकते, बाकी आप कहेंगे बंद करें तो हम लोग बंद करेंगे, लेकिन बंद है भी तो बेमन से है, ये आपकी अच्छी नीति के कारण नहीं। अब आपका निर्देश है तो चलिए बंद तो हो जाएगा, मैं भी नहीं चाहता कि बच्चे परेशान हो, हम भी परेशान हो, बंद रहेगा, 11 तक बंद है, 12 को फिर अखबार देख ले। अभी हम लोग का जो डिसीजन है उसको सुन ले, पिछले वर्ष भी हम लोग जैसे ही बंदी था, आपका 12th क्लास में पूरे बिहार में बिहार बोर्ड का पहला कोचिंग में रहा जो एक भी दिन बंद नहीं रहा, सीधा सरकार का निर्देश बंद भी था फिर भी हम लोग ट्रैक पे थे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, ऐप के माध्यम से हो, आज भी हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, जो बच्चे केवल ऑफलाइन के लिए, तो सारे लोग के लिए 2 मिनट का इंपॉर्टेंट अब सूचना है जिसको बढ़िया से सुन लें। यह सूचना केवल 12th के बच्चों के लिए, और 12th के बच्चे के लिए केवल, न केवल हम अपने 3000 बच्चों की सूचना दे रहे हैं, ये कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है अगर उनको वहां पे सुविधा नहीं मिलता है तो इस बीच में हम लोग 11 तक का जो प्लानिंग किए हैं वो हमसे जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। जहां तक कोर्सेस चल रहे थे, आपका फिजिक्स में हम क्या खत्म कर लिए, इलेक्ट्रोस्टेट पूरा कंप्लीट हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोग लगभग 200-300 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत होना, पिछले बार भी यही करंट शुरू करते ही मार दिया था करंट, पिछले बार भी यहीं पर थे, और इसीलिए पिछले बार भी हम लोग उसमें इमरजेंसी लैंडिंग किए थे, इस बार भी इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो प्रोग्राम शेड्यूल है, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे बढ़िया से मेरे साथ समझ लीजिए ताकि आपको कोई समस्या दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले आपको हमारे सिस्टम में 2-3 चीज से जोड़ना हो, जब तक कि इस तरह का सिस्टम आप सुनेंगे, बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है, उठिए चलिए और सब चीज शुरू। क्योंकि आप खुद देखे होंगे जब से मैंने क्लास शुरू किया, कब से क्लास शुरू है आपका, फरवरी से शुरू हो गया है ना, तो फरवरी से 12th शुरू हो गया है, रूटीन लगा के हम कितना दिन नागा किए, एक भी दिन ऐसा आंसर नहीं होगा। तो हम लोग खुद वक्त के प्रति चुके, एकलौता काम है बस, इतना बेरोजगार धरती पर कम लोग हो जिसको पढ़ाने के अलावे जो काम मिला उसके अलावे कोई काम ही नहीं,
मतलब सिर्फ एक काम है, रूटीन है, तो सुबह उठिए और शुरू हो जाइए। अब बहुत प्रतिकूल स्थिति है तब इमरजेंसी में 8 CL हम रखते हैं। 8 बार ऐसा हो सकता है कि रूटीन लगा रहे और हम पढ़ाने ना आए। ये 1 साल में 8 गो मेरा कैजुअल लीव है CL। पर तुम लोग भी तो हम बुलाते हैं तो नागा मारते हो जो लड़के। हाँ, इसीलिए हम किसी से ये नहीं सुनते हैं कि ऐसे होगा सर, आज नागा कर दिया सर। जिसको लगता है बोले, तू अपन पीछे हाजिरी बना ले कि हम कितना दिन बुलाए तो तुम नागा मारा, उधर अपना अब्सेंट रखना। और ऐसा कितना दिन हुआ कि हम बुलाए तो हम नागा मारे, तो मेरा अब्सेंट बनाना। अब साल भर बाद हिसाब करके हमसे भेंट करने आ कि सर आप हमसे ज्यादा छुट्टी मार दिए, तब ना दोषी होंगे, तुम्हारी छुट्टी ज्यादा रहेगी। तो तुम छुट्टी मारते हो तो कहां तुम्हारा माथा खाते हैं? कभी ऐसा खाते हैं कि ऐसे होगा, तुम दुबा रहा है, ऐसे नहीं आया है, ऐसा माथा खाते हैं? नहीं, तो तुम भी मेरा नहीं खा। हाँ, लगातार रहे कि हाँ सीएल की गिनती नहीं है तब कह सकता। तो हम लोग एक जिम्मेवारी से जो बैच, एक तो जल्दी एडमिशन लेते नहीं, लेकिन जिस बैच का ले लेते उसको पूरा निभाते। तो इसीलिए आपका ध्यान दीजिए, अभी जो स्टेप है 2 स्टेप से 3 स्टेप से आपको जुड़ जाना, उससे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। पहला, आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर आप सर्च करेंगे, ऐसा बना हुआ रहेगा। ये तो गूगल प्ले स्टोर जानते होंगे। इस गूगल प्ले स्टोर में आप यहां सर्च का ऊपर ऑप्शन हो, इस सर्च के ऑप्शन में आप यहां विद्या एजुकेशन ग्रुप, इसको सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में विद्या एजुकेशन ग्रुप, ये आप यहां सर्च करेंगे। जैसे ही विद्या एजुकेशन ग्रुप सर्च करेंगे तो आपको यही विद्या एजुकेशन ग्रुप इस ऐप के साथ आपको मिलेगा। इसको आप यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद ओपन आएगा तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपका विद्या एजुकेशन ग्रुप का ये लोगो है, आपको हम लोग का जो प्रमुख वचन है, हम लोग के संस्थान का एक कोटेशन है, आप मुझे समय दे मैं आपको रिजल्ट दूंगा, मैं खून नहीं मांगता कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दू। समय मांगने वाले आदमी है, रहे कि हाँ खूने निकाल लेंगे तेरे को दिक्कत, तुम मुझे समय दो हम तुम्हें रिजल्ट देंगे। ये तो बात सही है, समय तो देना होगा, समय नहीं दोगे तो चमत्कार तो होगा नहीं। तो ये स्लोगन वाले वाक्य आपको मिल जाएंगे, समय देंगे तो आपको यहां से एक कप तक हम लोग शील्ड तक पहुंचा देंगे। कई लोग जो पहुंच रहे हैं वो समय देके यहां पहुंच गए। अब इसके बाद जैसे ही आप यहां आएंगे तो यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा। ये अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा तो आप OTP यहां डाल के वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद तब फिर लॉगिन सिस्टम आएगा, उसमें नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डाल के ओके कर दीजिएगा तो आप ऐप में प्रवेश कर गए। अब आप ऐप के अंदर इन कर गए, यहां पे पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद नीचे एक होगा स्टोर, स्टोर को दबा दीजिएगा तो उसमें कई सारे कोर्स दिखेंगे, उसमें आप लोग खोज लीजिएगा 12th ऑल सब्जेक्ट। और चूंकि आप लोग का यहां क्लासेस में जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि बिहार के द बेस्ट टीम हो सकता है वो आपके साथ है, चूंकि 25 वर्ष से लगातार फिजिक्स के साथ मैं, केमिस्ट्री के साथ अप्रोच सर, इधर मैथ में आशुतोष सर, आपके इंग्लिश में भी 2-3 टीचर आपके साथ लगे हुए हैं। तो अभी इस बीच में इंग्लिश में हम लोग का दोनों टीचर विष्णु सर का भी रहेगा क्लास, और मेन यूट्यूब पे आप लोग का अरुणजय सर का भी क्लास यहाँ पे लगातार मिलते रहेगा। हिंदी में आपका दोनों, हम भी हैं, गोखले सर भी हैं, तो ये क्लास भी आपको लगातार मिलते रहेगा। बायोलॉजी में स्वतंत्र सर का भी मिलते रहेगा। तो जितने भी क्लास है ऑल सब्जेक्ट में सभी है। तो अभी फिलहाल हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं, इस ऐप की आवश्यकता कब होगी, 11 तारीख तक आपको 5 से 11 हम लोग सभी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। सभी टीचर अपने रूटीन से अपना पढ़ाएंगे, आपके YouTube पर वीडियो होंगे, लाइव में रहिए। लाइव रहने के बाद उस समय कोई दिक्कत है आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहां पे अपना सूचना दे दीजिए। सब लोग अपने रूटीन से रहेंगे, रूटीन हम लिखा देंगे। इसके बाद YouTube के बाद अपने अपने चैनल पर शाम में टीचर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराएगा। तो इसीलिए प्रोफेसर को भी हमने बोला है कि जो चैप्टर होते जाए उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराते जाए, मैथ का भी प्रैक्टिस होगा। आपको मैक्सिमम लगेगा नहीं कि हम लोग का सरकार
ऐसे ऐसे कर लिया, हम लोग उस तरह से कंटिन्यू चलेंगे। अगर ये लॉकडाउन की स्थिति कोचिंग के लिए बढ़ती है, 12 के आगे हो जाता है, तब ये कंडीशन यूट्यूब पे नहीं होगा, देन वो विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप पे हो जाएगा। बंद नहीं रहेगा किसी दिन, समझ लीजिएगा, आपका कोई स्थिति रहे, क्लासेस एकदम ऑन टाइम, सिलेबस कंप्लीट ऑन टाइम, हम लोग सब चीज चलेगा। तो इसीलिए ये चीज आपको कर लिए, पहला नंबर स्थिति आप समझ गए। दूसरा नंबर, जो भी बच्चे हैं रूटीन के लिए, अब एक एक बच्चे से आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए भी अच्छी बात है कि विद्या एजुकेशन ग्रुप में आज के डेट में 25,000 बच्चे पढ़ते हैं, 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे ऐप का ही डाउनलोडर विद्या एजुकेशन ग्रुप लगभग 80,000 बच्चे डाउनलोड किए, तो 80,000 बच्चे डाउनलोडर हैं, 25,000 बच्चे पढ़ रहे, तो 25,000 बच्चों के लिए भी हमारा कॉलिंग सेंटर है, जहां पे सब लोग आपके कॉल रिसीव भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन अब उतने लोग का कॉल रिसीव करना बताना थोड़ी समस्या होती। तो आपके पास जो कॉमन क्वेश्चन है, क्लास होगा नहीं होगा, रूटीन क्या है, इन सभी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको टेंशन नहीं रहेगा, वहां हम लोग रूटीन दे देते हैं। व्हाट्सएप में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि व्हाट्सएप में 256 से ज्यादा लोग ऐड नहीं होंगे, तो 25,000 के लिए समझ ही रहो कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, पाला में भेजेंगे, दूसरा में भेजेंगे, मालूम चलेगा दोनों में छूट गए। इसमें एक साथ सभी बच्चे ऐड हो सकते, लगभग 17-18 हजार बच्चे ऐड है हमारे साथ टेलीग्राम। कुछ बच्चे उसको नहीं लोड किए हैं तो वो अपना नॉर्मल फेज में है, जॉब में है, बिना कोई रिकॉर्डेड क्लास ही केवल देखते हैं, तो वो अपना बिना नोटिस भी अपना कभी भी देख ली। बाकी जो बच्चे लाइव के सिस्टम के साथ हैं, वो अधिकांश टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए। तो टेलीग्राम के लिए करना क्या होता है उसको पहले समझ लीजिएगा। इसमें टेलीग्राम में आप जब इसमें प्ले स्टोर पर फिर उसी प्रकार से जाना है, जाने के बाद सर्च का ऑप्शन है ऊपर में, टेलीग्राम आप लिख के सर्च करें, टेलीग्राम लिख के सर्च करें, और जैसे ही टेलीग्राम सर्च करेंगे ये वाला आ जाएगा, इसको फिर इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये चिन्ह आएगा, फिर ये चिन्ह आएगा, केवल कंटिन्यू करते जाइएगा, तो इंडिया और अपना मोबाइल नंबर यहां डालेंगे। जैसे ही इसमें भी आप ओके कर लेंगे तो आपको फिर यहां एक कोड आएगा, ये कोड ऑटोमेटिक वेरीफाई भी हो जाता, नहीं तो अगर डालना पड़ेगा तो डाल दीजिएगा। तो इसमें जैसे ही कोड जो मैसेज में आएगा वो जैसे ही आप डाल देते हैं तो टेलीग्राम आपका सक्सेस हो। अब टेलीग्राम सक्सेस होने के बाद आप इसमें सर्च करेंगे ऊपर, और ऊपर सर्च में विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर ये सर्च करें। इसमें दो चैनल मिलेगा आपको, एक में लगभग 17,000 बच्चे, एक में लगभग 13,000 बच्चे। आप चाहते हैं कि आपका नंबर कोई ना देखे तो आप इस 13,000 वाले में इन कर जाएंगे। इसमें कौन बच्चे इन किए हैं, कौन क्या है, उसका नंबर क्या है, टेलीग्राम में कोई किसी का नहीं जान, ये वाला आपका सुरक्षित होता है। बाकी आप चाहते हो कि नहीं मेरा नंबर भी कोई लोग देख ले, कौन ज्वाइन किया देख ले, तो 17,000 वाले में इन कर सकते। उसमें कौन इन करेंगे, सब कोई पढ़ सकता है कि हाँ फलाना इन किए। इसमें कोई नहीं जानेगा कौन इन किया कौन नहीं किया। ये एक चैनल है और एक हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप में ज्यादा बच्चे हैं, कारण ग्रुप में डेली क्विज चलता है, वहां रॉबर्ट के द्वारा पर डे क्विज चलता है 10 बजे रात को। तो जो लड़के हमारे ग्रुप में जुड़े हुए होंगे उनको, कंपटीशन वाले बच्चे वहां ज्यादा रहते, उनको पर डे क्विज 10 बजे रात में फ्री ऑफ कॉस्ट डेली चलता। इसमें क्विज नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन यहाँ होते। तो आप जैसी आपकी सुविधा होगी आप विद्या एजुकेशन भाई राहुल सर टेलीग्राम में जुड़ेंगे। यहाँ जुड़े हुए बच्चे को कोई परेशानी नहीं, यहाँ आपको डेली रूटीन और तमाम चीज एकदम टाइमली अप टू डेट हो जाते, और यहाँ से आप एकदम अप टू डेट होके हमारे साथ रह सकते, और इसके बाद कहीं आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। और लास्ट वन, अभी एक जो हम लोग का 11 तारीख तक क्लास, वह क्लास यही यूट्यूब पे होगा, और यूट्यूब का चैनल आप जानते हैं, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। इसमें YouTube में कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर खोज लेंगे, चैनल आपको ये मिलेगा, इसमें सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि क्लास जैसे ही शुरू हो तुम तक नोटिस पहुंच। इसमें सब्सक्राइब से हमको कोई पैसा नहीं आता, बात समझ लीजिए, हाँ आपके व्यू से उसमें आते हैं मोनेटाइजेशन में, बाकी आप सब्सक्राइब रखते हैं अपने लिए ताकि जो इधर चालू हो जैसे ही क्लास शुरू होगा आपको नोटिस चला जाएगा कि हाँ क्लास शुरू हो गया, बस तुरंत ऑन कीजिए, देखना शुरू कर लीजिए।
इसके बाद आपका ये तो हुआ चैनल में आप अपना कंप्लीट रखोगे, इसके साथ लाइव हो गया। रूटीन अब समझ लीजिए, इसमें आप लोग का जो शेड्यूल है उसमें हम लोग जरा ध्यान देते हैं। आपका अभी 5 तारीख से 11 तारीख तक ये आपका 12th क्लास के लिए ये इंफॉर्मेशन है। ओनली 12th क्लास के जो बच्चे हैं इस रूटीन को अभी पालन करें, और इस रूटीन को आपको लिखे भी रहना है, और इसमें आप ध्यान दे देंगे एक तो चैनल कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर हो गया। दूसरा, जिन बच्चों का मैथ है वो विद्या एजुकेशन मैथ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब रखेंगे, शाम में उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। और केमिस्ट्री में जो बच्चे कमजोर हैं इसमें भी केमिस्ट्री चलेगा, और आईयूबी डिजिटल क्लासेस यूट्यूब पर उसको भी आप सर्च करेंगे, वहां केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस शाम में चलेगा। तो वो सब शाम में सूतने के पहले एक खुराकी, और उठ गए तो एक खुराकी, दो दो टैबलेट हम लोग देते हैं, उठ के आइए तो एकदम ई वाला हैवी डोज है। और सोने समय हम रखवा रहे हैं 9 से 10 अप्रोच सर का, और 10 से 11 मैथ। 11 बजे रात तक मिजाज से पढ़ो, और तब उसके बाद आराम से सो। तुम लोग मैंने 8 बजे खराटा मारे वाला लग रहा है, इसलिए कह रहा बाप 11 बजे तक एक यस सर बंद करो और आ जाओ फॉर्म में कि नहीं हमको पढ़ना है। तो चलिए इसमें सुन लीजिए, तो सुबह शाम डेली आपका ये रूटीन आपका फिक्स कर दिए, और सुन लीजिए 5 अप्रैल से 11 अप्रैल आपका जो रूटीन है इस रूटीन को समझे। शुरू में बायोलॉजी ठीक रहेगा या मैथ? सबसे पहले बायोलॉजी। कितने लोग चाहते हो मैथ? शुरू मैथ, अच्छा मैथ शुरू मैथ, मैंने 6:30 से शुरू होगा तो मैथ में इतने लोग है 6:15 से। अच्छा कितने लोग बायोलॉजी चाह रहे हैं? बायोलॉजी शुरू, इसी में ज्यादा लोग, तो शुरू बायोलॉजी कर ही देते हैं 6:30 से 7:15। ये पर डे आपका बायोलॉजी हो जाए 7:15 से 7:15, ये पर डे केमिस्ट्री होगा, ये इधर डेली होगा, और 7:15 से 7:09 ये कौन विषय होगा जी? कौन विषय है ये? तो ऐसा भी मेरा ही समय है तो फिजिक्स हो जाएगा। और 9:15 से 10:15 ये आपका क्या हो जाएगा? मैथ। और 10:15 से 11:15 ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास चालू रहेगा, ये केवल ऑनलाइन ओनली यूट्यूब पे क्लास है, YouTube पे क्लास होगा कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर पे। और सुन लीजिए 11 तारीख तक हम लोग इसी में रहेंगे। ये सिर्फ ध्यान दीजिए, न सिर्फ हम लोग के विद्या एजुकेशन के बच्चे के लिए, बल्कि कोई कहीं पढ़ रहा है, सारे बच्चे अपने ही हैं, कहीं से पढ़ो, बिहार में अच्छा करो, हमारी आप पूरी शुभकामना आपके साथ रह। ये नहीं कि तुम यहाँ एडमिशन लिया गुड गुड आप फलनवा डुबाए, तुम जहां है अगर लग रहा है कि नहीं इस बीच में मेरा बंद है आप यहां से लाभ उठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए और कोई समस्या? हिंदी और जो आपका रूटीन है, आपका हिंदी किस दिन होता है? सैटरडे संडे, तो शनिवार और रविवार को फिजिक्स के जगह हिंदी हो जाएगा। जो जैसे रूटीन है सब वैसे ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 दिन शनिवार और रविवार यहाँ पे आपका क्लास रूटीन हिंदी था तो हिंदी हो जाएगा, और बाकी जो जैसे चल रहा सब एज इट इज। बोलिए रूटीन क्लियर है सबका? सभी बच्चे अब ये बताओ कोई और समस्या तो 1 मिनट में आपकी बात भी सुन ले, इतना देर तो हम सुना दिए, किसी की कोई और बात है कि सर इसमें ऐसे तो बता लोगे। नोटिस सुन लो, रे मन में आ रहा होगा कि सर कल से नहीं आएंगे, एक प्रश्न है तो आंसर क्या है? नहीं आना, तो आंसर भी तो तुम्ही लोग दे रहा है, गुड सही है। यहाँ लिखा हुआ केवल यूट्यूब ऑनलाइन क्लास, हम लोग सरकारी निर्देश का पालन करते हुए 11 तारीख से तक बंद, 11 तक इसमें, 12 से फिर हम लोग क्या होगा टेलीग्राम में जुड़े रहना, नोटिस वहां किया जाए। बात समझ गए सबको? और कोई सवाल जल्दी 1 मिनट में गर्ल्स तरफ से? हाँ और कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अभी सुन लीजिए, तो ये आपका नोटिस हमने कर दिया,
अब इसमें ध्यान दीजिए, ये नोटिस हम लोग कर लिए, इंग्लिश भी इसी चैनल पे होगा, कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर। ऑनलाइन वाले लाइव वाले बच्चे पूछ रहे हैं एप्लीकेशन वाले इंग्लिश किस पर होगा, सभी इसी पे कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर। आपके लिए भी ऑनलाइन में जो एप्लीकेशन पे बच्चे जुड़े हैं उन सभी के लिए भी ये क्लासेस यूट्यूब पर ही अभी मिलेगा, एप्लीकेशन में भी आपको डाउनलोड वीडियो दे देगा, लाइव चलेगा यूट्यूब पे, एप्लीकेशन में लाइव नहीं होगा। और कोई बच्चे ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन में कोई समस्या है तो उसको आंसर कर दीजिए। नहीं, मान के चला जाए क्वेश्चन का आपके अंदर जो भी सवाल थे आंसर मिल गया है सबको। चलिए तो अब इसमें ध्यान दीजिए, हाँ हमारा क्लास तो लिखा हुआ है ही, हम सवा ध्यान दीजिए 8:15 से 9:15 डेली फिजिक्स पाएंगे, सिर्फ शनिवार रविवार मेरा क्लास नहीं रहता है, इसलिए मेरा नहीं होगा, हिंदी हो जाएगा इसमें। ये कब से होगा? अरे बाप, बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, कब से होगा? आप लोग आंसर दे दीजिए कब से होगा, और 5 नहीं समझ रहा तो कल से होगा, यही कल सुनना चाह रहा, 5 से 11 सेम रूटीन हम लोग का पालन होगा। बोलिए अब तो क्लियर है सबका ना? चलिए अब सुन लो, रे एक एक बच्चे को अब हम देखेंगे कौन कौन वहां पे क्लास कर रहा है, कौन कौन कैसा है, और बाकी सुन लो, ऐसा हो सकता है अब तुम सामने हो तो अलग हो, बाकी अंदर में जो है वो घर से रहने पर अलग कुछ लोग हो जाते, तो वहां ऐसा हो सकता है कि आप जिस चैनल पे पढ़ो वैसा ना हो कि तुमको यहां से ही रिमूव कर दे, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वो उन लोग के लिए होता है जो हाय मोनी हाय गीता करता है, चूंकि तुम लोग खुद देख रहे हो यहाँ टेक्निकल लोग अलग से बैठे होते हैं, इस चैनल पर जैसे ही तुम्हारा क्लास चल रहा है तो अलग से एक व्यक्ति दो व्यक्ति उनकी स्पेशल ड्यूटी होती है कि इसमें हाय बाय वाले कितने लोग हैं उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए, इस चैनल पे पढ़ने वाले लोग की जरूरत, हाय बाय करने वाला तो बहुत चैनल है, कुछ लोग टीचर भी वैसे ही होते हैं, उनको सिर्फ बच्चे चाहिए, चाहे अंदर हाय करो चाहे बाय करो, संख्या रहो, हमारा है एक ही लोग रहो, कोई जरूरत नहीं कि बहुत भीड़, लेकिन वो पढ़ने वाला रहो, एक विशेष शर्त है, और इसीलिए अपना ये बैलेंस और स्थिति बना के रखें। कई लड़के लोग भी छद्म लड़कियों के नाम से हो जाते, तो अपना नाम रखना, नालायक जिंदगी में क्या करोगे, नाम मोहन कुमार बनल मोनी है तू, नाम मोहन कुमार तो मोहन बनो और वहां लिखो आंसर डालो, लगना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छी स्थिति। हाँ गर्ल्स लोग स्पेशल अपने लड़के के नाम से एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, में गर्ल्स भी है तो नाम अपना मोनी कुमार रहना वहां जरूरत नहीं है, वहां मोहन कुमार से भी रह सकते हैं, आंसर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, 12th वाले बैच में थोड़ी सी समस्या हल के आती है तो आपको बता इसीलिए दिए ताकि ऐसा ना हो कि रिमूव होने के बाद, पिछले बैच में भी हम इसको झेल चुके, रिमूव होने के बाद डेली में सर मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता, सर हम कोई कमेंट करते हैं, चूंकि एक बार ब्लॉक करेगा तो तुम भविष्य में भी कोई कमेंट करोगे तो इधर आएगा ही नहीं, तुम लिखोगे और वहीं फेल होगे, तो कहोगे कि जा हम बढ़िया चीज आंसर भी लिखना चाह रहे तो मेरा नहीं जा रहा, तो तुम समझ लेना कि हम भविष्य में कोई विशेष तरह के बिना मतलब गलती किए हैं तो यहां से रिमूव कर दे। एक ही चीज का 80 बार झूठ मुठ के डाली तरह कॉपी पेस्ट, कई लोग पढ़ेगा नहीं, एक बार मन से टाइप कर लेगा और बाद कॉपी धाए धाए धाए, बस मेरा टेक्निकल टीम का बोला रहता है कि 6 बार धाए 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 तो इन्हें से भाम उड़ा दो, बिना मतलब जो दाग रहा उसको उड़ा दो, उसको कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बैठ के हम कमेंट्स पढ़ने के लिए क्लास नहीं ले रहे, वो क्लास तुमको समझाने के लिए ले रहे, तुम्हारे अंदर कोई और समस्या है तो टेक्निकल नंबर से संपर्क करिए, समस्या सोल्व कर लीजिए, और बाकी कोई आपातकालीन इमरजेंसी आप लोग के पास रहे तो आप 7004238065 इस पे कॉल करें, 8294422949 इस पे कॉल करें, इसमें एक और नंबर चंदन उठाता है, बोलो 9128161836 इस पर कॉल करें, ये सभी आपको कॉल करने के लिए आपको दिया गया है, आपको मदद मिलेगी, अगर लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्याएं आ रही है तो आपको मदद मिल जाएगी। जिन लोगों को कॉल पर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो लोग अपनी समस्या लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, अब इन लोगों के द्वारा बढ़िया आपको जवाब नहीं मिला, आप 5 बार से अधिक कॉल करते हो लोग नहीं उठाते हैं, तो आप अपना टाइमिंग के साथ उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर लो, तीन से भी सवाल होगा ना कि भाई इसको क्यों तंग कर रहे,
तो इसीलिए इनकी भी अपनी जिम्मेवारी है, इनको भी अपना वर्क करना। अगर 5-6 बार किए कॉल रिसीव नहीं है तो हमारे पास उसका स्क्रीन शॉट भेज देंगे 7023158839। ओनली व्हाट्सएप इस पे होगा, कॉल नहीं लगेगा। या इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हम खुद अवेलेबल रहते हैं, कॉल ट्रांसफर होता है जिसको खुद चंदन रिसीव करता है। तो 8294422949 व्हाट्सएप से आप अपनी समस्या भी यहाँ रख सकते हैं। तो जितना हम लोग को चाहिए कि आपको फुल सपोर्टिंग वो मिल गई। बात सुन लीजिए, बैठ के अब लग रहा होगा कि सर आपसे कैसे बात होगी, तो हमसे बात सिर्फ क्लास के दौरान कोई समस्या है बस रख लीजिए, बाकी कभी विशेष छुट्टी में होते हैं तो टेलीग्राम में हम डाल देते हैं कि आज दिन भर आप लोग से बात करें। तो उस दिन आप कोई बच्चे कॉल करते हो, आपको कोई समस्या है तो बात हो जाती है। बाकी बेवजह तुम क्लास में बहुत कम देखे होगे कि हम फोन उठा के झूठ मुठ हेलो हल्ले कर रहा है, एकदम फोन लाए और उधर फेंक दिए, बजा भी तो बजते ही नरेटिव टिप के अंदर कर देते, क्योंकि तमाम चीज फोन उठाएंगे तो हम आपके समय को उतना नहीं दे पाएंगे जो चाहिए। इसलिए बाकी जो भी बात है तुमको समस्या हल हो जाएंगे, नहीं हल होते व्हाट्सएप करो अवश्य हल हो। इसीलिए समस्याओं के साथ नंबर भी आपको दे दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना सबको। चलिए तो आपका क्लास अभी